कोशिशों के बाद भी महाराणा प्रताप को डॉक्टर साहब उनको हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि एक जीवन की लड़ाई थी नहीं, तीन तीन पीढ़ियां खप गई थी। इस देश में पहला मुगल बाबर था, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, और मेवाड़ के राजवंश में महाराणा कुंभा, उससे पहले बप्पा रावल, फिर महाराणा कुंभा, और महाराणा कुंभा के बाद महाराणा सांगा के बाद महाराणा उदय सिंह, और उदय सिंह से होते हुए ये उधर अकबर और इधर महाराणा प्रताप तक ये कहानी लड़ी, और हजारों लाखों लोग वीरगति को प्राप्त हो गए, कई सुहाग उजड़ गए। माँ की पुरसी हुई थालिया, बेटा ने जीवन वास्ते थालिया पुरसी रह गई, बेटा वीरगति ने प्राप्त हो गया, समाचार आयो कि आपको बेटो दुनिया में ना रहे हो। महाराणा प्रताप की शक्ति क्षीण हो गई। कुछ समय महाराणा प्रताप अपने महलों को छोड़कर जंगलों में चले गए, स्वयं और अपने परिवार को घास फूस की रोटी खिलानी कबूल कर ली, पर अकबर की गुलामी नहीं करूंगा ऐसी प्रतिज्ञा महाराणा प्रताप ने कर ली। लेकिन बहुत समय तक जब परिवार को बिलबिलाता देखा, जब भूख से तड़पता देखा, तो महाराणा प्रताप के बहुत जो हितेशी जो उस समय के उनके जो समझदार लोग थे उनके साथ में बैठ के चर्चा हुई कि आखिर में क्या करें। ये जब जो बुद्धिजीवी लोग बैठे, मैं निवेदन करता हूं आप बहुत ध्यान से सुनना, तो बहुत समझ से ये फैसला हुआ कि एक बार दुश्मन को रोकना आवश्यक है, क्योंकि दुश्मन कुछ समय के लिए रुकेगा तो हम अपनी शक्ति को बढ़ाएंगे, और दुश्मन कुछ समय के लिए रुके कैसे इसका जत्न करना चाहिए, क्योंकि युद्ध से तो हमने देख लिया तो उसका जत्न क्या करें। तो बड़ी चतुराई से एक निर्णय हुआ कि क्यों नहीं एक पत्र अकबर को लिख दिया जाए। अकबर उस पत्र के मद में कुछ समय के लिए राजी हो जाएगा, रुक जाएगा, और कुछ समय में हम अपनी शक्ति को फिर से एक बार पुनर्स्थापित कर देंगे और फिर अथक रूप से अकबर से लड़ेंगे। पत्र गया दिल्ली, अकबर ने जब वो पत्र पढ़ा, और उससे पहले महाराणा प्रताप को जब ये कहा गया तो महाराणा प्रताप इस बात के लिए तैयार नहीं हुए। देखिए दो पंक्तियां प्रस्तुत कर रहा हूं। महाराणा प्रताप के मन में आया कि हजारों लोगों का लहू बहा, चेतक का बलिदान हुआ, जयमल पत्ता भामाशाह जैसे लोगों का इस देश पर ऋण है, झाला मान सिंह जैसे लोगों ने इस देश के लिए सरेआम मेरा रूप धारण करके स्वयं को कटवाना मंजूर कर लिया, ऐसे लोगों की शहादत पर प्रताप ये काम कभी नहीं करेगा। और दो पंक्तियां डॉक्टर कन्हैयालाल सेठिया ने लिखी, मैं आपको सुना रहा हूं, सुनिएगा। पण लिखूं कि आजत देखे आडावल हूं जो ही यो लिया, पण लिखूं कि आजत देखे आडावल हूं जो ही यो लिया, चित्तौड़ खड़ो है मगरा में विकराल भूत सी लिया जिया, विकराल भूत सी लिया जिया, झुकूं किया है आन मने कुड़रा के शरिया बानारी, हूं बुझूं किया हूं शेष लपट आजादी रे परवानारी। लेकिन फिर भी महाराणा प्रताप ने पत्र लिख दिया, पत्र अकबर के हाथों में गया, अकबर का सपना सच हो गया। लेकिन अकबर बड़ा धूर्त था, चाहता था कि महाराणा प्रताप की इस हार को सिर्फ मैं या मेरा दरबार नहीं पड़े, पूरे देश को पता चलना चाहिए कि हिंदुआ सूरज, मेवाड़ की वो आन बान की शान की वो पगड़ी आज अकबर के पैरों में पड़ी है। अकबर को ये पता था कि महाराणा प्रताप का सबसे बड़ा भक्त कौन है, और अकबर ने दिल्ली से बीकानेर समाचार भिजवाया, पृथ्वीराज सिंह को दिल्ली बुलवाया,
पृथ्वीराज सिंह दिल्ली पहुंचे, भरी कचेरी में वो कागज महाराणा प्रताप का पृथ्वीराज सिंह के हाथ में दे के अकबर बोला, मर डूब चलो भर पानी में, झूठा ही